इस बार का इंडियन आइडल 12 काफ़ी हिट रहा है और इस शो से काफ़ी शानदार सिंगर निकले हैं। और शो खत्म होने से पहले ही सन्मुख प्रिया, मोहम्मद दानिश जैसे कंटेस्टेंट को काम का ऑफर भी मिला था। लेकिन सबसे ज़्यादा जिन कंटेस्टेंट की चर्चा हुई उसमें पवनदीप राजन और उनकी गर्लफ्रेंड अरुणिता कांजीलाल हैं। और अब इन दोनों को गजब का है दिन परफॉर्मेंस के लिए ट्रोल किया जा रहा है। सेलिब्रिटीज अपने फ्रेंड्स और पसंदीदा आर्टिस्ट के म्यूजिक वीडियो को प्रमोट करते हैं और अरुणिता और पवनदीप ने कुछ दिन पहले ही जुबिन नौटियाल के गाने गजब का है दिन पर परफॉर्म किया है और इस पोस्ट को पवनदीप राजन ने शेयर किया है, जिसके बाद कई यूजर ने कमेंट किया है और इसमें उन्होंने अरुणिता को लेकर भी रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा है कि इस वीडियो को देखने के बाद वे सोचते हैं कि वे कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, और आप लोगों को खूब सारा प्यार। एक और यूजर ने कहा है कि क्या आप सिर्फ सिंगिंग से ही जुड़े रह सकते हैं, यह एक क्रैप है और उसे कट कर दें, यह बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक और यूजर ने कहा कि यदि किसी को यह सपना लग रहा है तो बता दूं कि सच में पवनदीप ने ही इसे पोस्ट किया है। और पवनदीप के पोस्ट पर कमेंट्स की बौछार यहीं पर नहीं रुकी। एक और यूजर ने लिखा कि बस बस बहुत है इतना। एक दूसरे ने तो यहां तक लिख दिया कि भाई सही में फेक लग रहा है। वहीं पवनदीप राजन और अरुणिता ने मुंबई में एक ही अपार्टमेंट में घर खरीद लिए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त ही मानते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वहीं इंडियन आइडल 12 पवनदीप राजन की जीत के साथ खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी फैंस उनके और को कंटेस्टेंट अरुणिता के बारे में जानने को बेचैन रहते हैं।